अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम आवान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान SGD। आज हमारा मौजू है पबजी गेम के हवाले से, जो कि हमारे बच्चों से हमारा ईमान छीनने पे अब तुल गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि ये पबजी गेम जो है ये हमारे बच्चों में एक नासूर की तरह फैलती जा रही है। अब इन्होंने इनकी दीदा दलेरी इस हद तक बढ़ गई है कि इन्होंने अपने गेम के अंदर टास्क दे दिए हैं बाकायदा। उन टास्क के अंदर खाना काबा को जो है वो शहीद करना होता है और साथ कुरान मजीद को कहीं बरहमती करनी है, तो कहीं पे इस तरह की मसाजिद को शहीद करना है। तो किस लाइन पे हमने अपने बच्चों को भेज दिया है, तो खुदारा आप ऐसा करें कि अपने बच्चों को इस चीज़ से सख्ती से दूर करें, वरना उतने ही गुनाहगार आप भी हैं जितने के गुनाहगार आपके बच्चे हो रहे हैं। और दायरा इस्लाम से निकलने के हवाले से जो एक बाकायदा फतवा जारी कर दिया गया है कि अगर इस गेम को खेलते हुए अगर इस तरह का कोई अमल कोई मुसलमान दोहराता है या करता है, एक बार भी करता है, तो वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है और उतने ही वालदैन इसमें शामिल है। सिर्फ और सिर्फ आप इस बात पे तवज्जो ना दें या ये इस बात पे ही खुश ना होते रहें कि पबजी गेम का जो अकाउंट है आपके बेटे का उसके अंदर 1 लाख बन चुका है या 2 लाख रुपए बन चुके हैं, बल्कि आप देखें कि वो इस्लाम दुश्मनी की तरफ जा रहा है। उसने एक सोच बना ली है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने एक सोच पैदा कर दी गई है कि वो पैसों की खातिर जो है वो मस्जिद के ऊपर भी हमला करवा सकता है। वो खाना काबा की अहमियत भी उसके सामने ख़त्म हो चुकी है, कुरान की अहमियत भी ख़त्म हो चुकी है।